कोचिंग के गढ़ कोटा में पढ़ने वाले बच्चों की वापसी पर सियासी संग्राम भले ही छिड़ गया हो, अलीगढ़ में कोटा से 7 बच्चे आए। कोचिंग के गढ़ कोटा में पढ़ने वाले यूपी के बच्चों की वापसी पर सियासी संग्राम भले ही छिड़ गया हो, लेकिन योगी सरकार की बच्चों के प्रति संवेदना ने कोटा में फंसे यूपी के बच्चों को उनके घर तक पहुंचा दिया। लगातार हर जनपद के बच्चे कोटा से अपने अपने घरों में पहुंच रहे हैं। अलीगढ़ में भी कोटा में से 7 बच्चे आज सुबह अलीगढ़ आ गए। इनमें से 4 बच्चे अलीगढ़, 2 चंदौसी, 1 बुलंदशहर का है। इन बच्चों को आते ही सबसे पहले स्वास्थ्य टीम ने जांच किया। कंपनी बाग स्थित बस अड्डे पर जैसे ही बस आकर रुकी, स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बच्चों की स्क्रीनिंग की, जिसके बाद बच्चों को बैंकेट हॉल में ले जाया गया, जहां पर सभी बच्चों की जांच की जाएगी तथा तय किया जाएगा कि बच्चों को के घर भेज दिया जाए। साथ ही बच्चों की हिदायत भी दी जाएगी कि वह इस दौरान अपने घरों में रहें। अलीगढ़ के CMO भानु प्रताप सिंह ने बताया कि ये बच्चे कोटा में कोचिंग कर रहे थे, वहां से इन लोगों को शिफ्ट किया गया है। आगरा होकर आए ये हमारे अलीगढ़ ज़िले के 7 बच्चे हैं। फिलहाल हम इनको मास बैंकेट हॉल में ले जा रहे हैं, वहां पर इनके बारे में डिसाइड करके ही उनको होम क्वारंटाइन करना। हमने अब इनकी जांच कर ली है, इनके एड्रेस, फ़ोन नंबर इत्यादि ले लिए हैं। अगर इनमें से किसी को दिक्कत होगी तो हम उसकी जांच कराएंगे, फिर उनको क्वारंटाइन किया जाएगा। सारे बच्चे अभी ठीक हैं। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्थान के कोटा में पढ़ने वाले बच्चों के लिए अलीगढ़ से उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बस बच्चों को कोटा से लाने के लिए लगाई गई थी। जो बसें कोटा से लेकर पढ़ने वाले इन बच्चों को आगरा होते हुए अलीगढ़ के गांधी पार्क बस स्टैंड पर पहुंची, जहां स्वास्थ्य टीम के विभाग कर्मचारियों द्वारा अलीगढ़ पहुंचे 7 छात्रों को कोरोना वायरस के चलते जांच की गई और इन सभी छात्रों को पहले अलीगढ़ के मस्कट बैंकेट हॉल में ले जाया गया, जिसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि इनको होम क्वारंटाइन करना है नहीं, जबकि प्रयाग आसपास के लाए गए सभी जिलों में बच्चों को होम क्वारंटाइन ही कर रहे हैं, जहां इन सभी बच्चों की स्क्रीनिंग टेस्ट और एनालिसिस ले लिए गए हैं और स्वास्थ्य टीम की लगातार इन बच्चों को टच में रहेंगे। अगर इन बच्चों के अंदर कोई सिम्प्टोमेटिक या किसी प्रकार की शिकायत होगी तो उन छात्रों का फैसला स्क्रीनिंग टेस्ट एनालिसिस लिए गए हैं और स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार इन बच्चों के टच पे रहेंगे। अगर इन बच्चों के अंदर कोई भी सिम्प्टोमेटिक या किसी प्रकार की दिक्कत होगी तो उन छात्रों का सैंपलिंग लेते हुए फैसिलिटी उपलब्ध कराई जाएगी। अलीगढ़ पहुंचने से पहले स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने सभी बच्चों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जगह जगह आते कुछ स्क्रीनिंग हुई थी, बच्चों के अंदर किसी प्रकार का कोई भी सिस्टम नहीं पाया गया, सभी बच्चे स्वस्थ ठीक हैं और जल्दी ही ये डिसीजन लिया जाएगा कि इन बच्चों को उनके घर तक जल्दी पहुँचाया जाए। वहीं कोटा से लौटे हुए बच्चों का कहना है कि योगी जी इस निर्णय पर उनको धन्यवाद देते हैं। मेडिकल की कोचिंग करने गए अस्फा ने बताया कि हम उनको धन्यवाद देते हैं, हमें अपने घर तक पहुंचाया। दूसरी छात्रा नमिनी ने बताया कि हम मेडिकल की तैयारी के लिए कोटा गए थे, जुलाई से वहीं पढ़ते, अब हम अपने घर जा रहे हैं। हम बहुत परेशान थे लेकिन आज घर आकर बहुत अच्छा लग रहा है, हम योगी जी को इसके लिए थैंक्स बोलेंगे। एक अन्य छात्र मोदित ने बताया कि बहुत ज़्यादा खुश हूँ, दिल से बहुत ज़्यादा योगी जी के लिए थैंक्स कहते हैं, उन्होंने बोल्ड स्टेप लिया और हम छात्रों के लिए, हम उनके लिए बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। कोटा पे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी लेकिन हमारे हॉस्टल में अकेले हम 5 बच्चे रह गए थे। हम जिस काम से गए थे पढ़ने के लिए सब बंद हो चुका था, वहाँ काफ़ी अफवाहें उड़ रही थी कि आसपास कोरोना के पेशेंट है, तो उनके बीच में हमें पढ़ने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। अब यहाँ पर आकर अच्छा लग रहा, अपने माँ बाप के पास बैठेंगे। खबर जगत अलीगढ़ से अजय। नंदी ये बताइए, आप लोग कब से कोटा में थे? जुलाई से। किस चीज़ के लिए गए थे आप लोग? मेडिकल की कोचिंग के लिए। आज आप क्वारंटाइन में, इसमें लॉकडाउन में अपने घर जा रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि
बहुत ज़्यादा परेशान थे हम लोग काफ़ी दिनों से कि कैसे जाएं घर, क्योंकि पास वास अलाउड नहीं हो रहे थे इधर से भी ना उधर से राजस्थान से, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। योगी गवर्नमेंट के लिए थैंकफुल है कि यार घर तक तो पहुँचा दिया यार। अफशा ये बताइए, कोटा आप लोग क्या करने गए थे और कब से हैं वहाँ पर? मैं जुलाई से थी, मेडिकल की कोचिंग कर रही थी, मेडिकल एंट्रेंस के लिए। तो आज आप कोटा से अलीगढ़ आए, अपने घर जा रहे हैं, क्या कहेंगे योगी जी के लिए? बहुत बहुत थैंकफुल लोगों के, मतलब हमें अपने घर में मतलब जाने को मिल रहा है बस। आपका मुदित गुप्ता। मुदित ये बताइए कैसा लग रहा है आपको आज आप अपने घर जा रहे हैं लॉकडाउन में? बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस टाइम, मतलब दिल से बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ योगी गवर्नमेंट के लिए, उन्होंने इतना बोल्ड स्टेप लिया हम स्टूडेंट्स के लिए, हम लोग भी परेशानी समझी और बस बहुत ज़्यादा थैंकफुल। क्या क्या परेशानियाँ हो रही थी आप लोगों को कोटा में? वहाँ एक्चुअली कोई इतना कोई खास प्रॉब्लम नहीं थी हम लोगों को, क्योंकि हम लोग हॉस्टल में थे और हमारे हॉस्टल में मुश्किल से 5 या 6 बच्चे थे। सबसे बड़ी बात तो सर हम लोग अकेले रह गए थे, कोई था नहीं आसपास, हम जिस काम के लिए गए थे सर पढ़ने के लिए उसमें भी हमारा मन नहीं लग पा रहा था, क्योंकि आसपास इतनी ज़्यादा र्यूमर्स फैल रहे थे कि हाँ आसपास कोरोना वायरस आ गया है, इसके कोरोना के पेशेंट्स हैं, तो उन र्यूमर्स के बीच में पढ़ना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। ये थी प्रॉब्लम्स। अब कैसा लग रहा है? अब बहुत अच्छा लग रहा है सर, घर आके कब से हम घर पहुँच जाएंगे, अच्छा लगेगा घर वालों के साथ माँ के पास बैठेंगे अपने। जांच की जा रही है, कहाँ रखे जाएंगे? ये बच्चे कोटा में कोचिंग कर रहे थे और वहाँ से इन लोगों को शिफ्ट किया गया है, वाया आगरा होते हुए हमारे पास आए हैं, और हमारे अलीगढ़ ज़िले के ये 7 बच्चे हैं जो हमारे पास आए हैं। अभी फ़िलहाल हम इनको मस्कट बैंकट हॉल है वहाँ पे लेके जा रहे हैं, और फिर हम डिसाइड करेंगे कि इनको होम क्वारंटाइन करना है, क्योंकि आसपास के सभी जिले होम क्वारंटाइन ही कर रहे हैं, और हम लोगों ने इनकी स्कैनिंग कर ली है, इनके एड्रेसेस ले लिए हैं, हम इनके टच में रहेंगे, और अगर कोई भी सिम्टोमेटिक होगा या किसी की दिक्कत होगी तो उसको हम फिर उनकी सैम्पलिंग कराएंगे और उनको फिर हम फैसिलिटी क्वारंटाइन कर लेंगे। अभी का कोई सिम्टम्स कोई? अभी सब बच्चों से अच्छे से पूछा है, इनकी जगह जगह स्कैनिंग हुई है, अभी सब ये ठीक, सब बच्चे ठीक है, किसी को कोई सिम्टम नहीं है। मस्कट में कितने दिन? वहाँ हो सकता है हम जल्दी ये डिसीजन लेने के इनको घर भेज दें।